अगर आप मिरेकल ईएमसी प्लस यूज करते हैं तो मैं बता दूं कि अभी लेटेस्ट वर्जन आया है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें दोस्तों। वर्जन 1.36 यूज करते होंगे, लेकिन अभी वर्जन लेटेस्ट वर्जन आ गया है, तो इस वर्जन को यूज करने के लिए या अपडेट करने के लिए आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब गूगल में जाकर वहां पे तो मिरेकल जीएसएम आप टाइप करेंगे तो वहां फर्स्ट में मिरेकल बॉक्स जीएसएम फॉर्म आ जाएगा, उस पर ओपन करें आप। इसे जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका मिरेकल ईएमसी प्लस वर्जन 1.37 ये आपका आया है फ्री। ये आपको यूज करने के लिए और कुछ पैसे लगते नहीं है, ना ही इसके एक्टिवेशन के पैसे लगते हैं, क्योंकि ये मिरेकल थंडर बॉक्स ये ऑलरेडी सभी यूजर को मिरेकल यूज जितने भी मिरेकल यूजर हैं उनको फ्री में दिया गया, अपडेट दिया गया। तो वर्जन 1.36 अगर यूज करते हैं तो आप 1.37 में अपडेट कर सकते हैं, तो इससे बहुत सारा अपडेट लेटेस्ट मॉडल ऐड हो जाएगा उसमें। तो दोस्तों इसे अपडेट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा और इसमें देख सकते हैं यहाँ Xiaomi का आया है ईएमसी आईएसपी रिपेयर, वीवो ईएमसी आईएसपी रिपेयर, ओप्पो ईएमसी आईएसपी रिपेयर, रियलमी ईएमसी आईएसपी रिपेयर। ईएमसी प्लस टूल से ओनली 4 मॉडल कंपनी का ही इसे आप एफआरपी लॉक, जीमेल लॉक, पैटर्न लॉक, बहुत सारे जो कुछ होते हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। दोस्तों मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको, तो इसे डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे जाएं डाउनलोड जाएं और यहाँ से आप इसे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि क्या करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप मिरेकल ईएमसी प्लस टूल, मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से लिंक देख करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे अब अगर बाय चांस आपका इस साइट से अगर डाउनलोड नहीं हो रहा हो तो आप दूसरे साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में जाएं और वहाँ पे आप लिखें मिरेकल ईएमसी प्लस टूल्स वर्जन 1.37 डाउनलोड लिखेंगे तो आपको दोस्तों आप यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस पे ऊपर में आपका आ रहा है, ये रहा आपका, तो यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ये फोटो पढ़ के यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल में जाएं और मिरेकल ईएमसी प्लस टूल्स वर्जन 1.37 लिख करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड कर ले दोस्तों, मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैंने जो डाउनलोड किया है वो मैं आपको दिखा करके मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों इसे डाउनलोड नहीं, पुराना वर्जन इस 1.36 था उसे वो ऑलरेडी कंप्यूटर पुराने को डिलीट करके न्यू अपडेट करता है। इसमें नेक्स्ट करेंगे, इसमें करके यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक कर देंगे, करने बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने बाद यहाँ फिर से नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट इंस्टॉल क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट में आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अपडेट न्यू मिरेकल ईएमसी प्लस टूल्स वर्जन 1.37, तो इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो ये दोस्तों ये इंस्टॉल हो गया, तो आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया है। तो अब ये वर्जन 1.37 में ये आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो अगर आप यूज करते हैं तो उसे अपडेट कर ले। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरेकल ईएमसी प्लस टूल वर्जन 1.7 ये आ गया आपका, यानी लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो गया। वो अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर ले और इंस्टॉल कर ले, करके आप यूज कर सकते हैं। इस फ़ोन का रियलमी, ओप्पो, वीवो, रेडमी फ़ोन का पैटर्न लॉक, एफआरपी लॉक, ईमेल लॉक,
को रिव्यू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपको जो कुछ करना है, रीड इन्फो करना है, फॉर्मेट करना है, ए फार पी रिमूव करना है, जो कुछ करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, फैक्ट्री सेट करना जो करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।